हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्कूल यूनिफॉर्म की कुर्ती बनाएंगे कॉलर वाली और स्लीव पोनी बनाएंगे हाफ से थोड़े ज़्यादा 18 इंच की। अब इसके लिए पहले फरमा तैयार कर लेंगे। अब न्यूज़पेपर पे फरमा तैयार कर लेंगे। हमने 4 फोल्ड न्यूज़पेपर लिया है। पहले गले की नाप ले लेंगे, 3 इंच चौड़ाई लेनी है और लेंथ इसकी 2 इंच लेनी है और इसे गुलाई कर लेनी है। शोल्डर 6 इंच लिया है हमने और पौना इंच नीचे ले लेना है। आर्म होल 9 इंच लेना है लेंथ इसकी और चौड़ाई इसकी 3 इंच लेनी है और ऐसे गोलाई कर लेनी है। और बीच में वेस्ट में से सिर्फ 1 इंच ही हम रखेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। और नीचे साइड स्लाइड्स हम 17 इंच रखेंगे। ये वेस्ट हमने 20 इंच बीच में रखा है और ये आगे की कटिंग करेंगे नेक की 5 इंच ज़्यादा, तो आगे की कटिंग अब हो जाएगी नेक की 2 and 5 7 इंचेस हो जाएगी। आप अपने माप अनुसार बनाएं। पहले आप अगर न्यूज़पेपर पर कटिंग कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा कपड़े पे कटिंग करना और मिस्टेक नहीं होगी। ये शोल्डर हम 1.5 इंच नीचे कटिंग कर लेंगे और ये आर्म होल आगे पीछे दोनों का है, उसके बाद दोनों अलग करके आगे का 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग कर लेंगे। ये आगे पीछे दोनों की कटिंग हो गई है सेम। अब आप आगे का अलग कर लेंगे और उसका गला जो है वो 5 इंच ज़्यादा कटिंग कर लेंगे और आर्म होल 1.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे, इसकी गोलाई अंदर से कटिंग कर लेंगे। ऐसे 1.5 इंच अंदर लेना है और ये हम वी शेप आगे से गला कटिंग कर रहे हैं तो 5 इंच इसका ज़्यादा ले लेंगे कटिंग। ये 2 और 5 आगे की कटिंग हुई गले की और 1.5 इंच इसका आर्म होल का लेना है गोलाई करके। ये आगे पीछे दोनों साइड की कटिंग हो गई है। ये फरमा तैयार किया है, अब कपड़े पे कटिंग करेंगे। आप कोई भी सिंपल कुर्ती ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये बॉटम की नीचे से कटिंग करेंगे, साइड स्लाइड से 1 इंच लेना है, कम करते करते गोलाई ले लेनी है और बीच में 1/2 इंच तक जाना है। ऐसे करके गोलाई ले लेनी है बॉटम से कुर्ती की। ये दोनों साइड की अब कटिंग हो गई। आप ऐसे कोई भी कुर्ती कटिंग कर सकते हैं और आपकी मिस्टेक नहीं होगी। पहले फरमा तैयार कर लीजिए, उसके बाद कपड़े पे कटिंग कर लिए। ये हमारा अब कपड़ा हम लेंगे, 2 मीटर हमने कपड़ा लिया है और 4 फोल्ड कर लेना है। आपको जो भी साइज़ लेनी है उस हिसाब से आप लें। मैंने लेंथ ली है 40, क्योंकि इसकी सिलाई और कटिंग में जाएगा तो ये 36 हो जाएगी लेंथ इसकी, इसलिए उसी हिसाब से आपको लेंथ लेनी है। अब गले की कटिंग करेंगे, निशान कर लेंगे। पहले गले का 3 इंच, शोल्डर का 6 इंच, आर्म होल का 9 इंच और चौड़ाई उसकी 3 इंच। बीच में 1 इंच लेंगे क्योंकि बाद में 2 इंच 1.5 इंच तक सिलाई में जाएगा और हम बंद सिलाई करने वाले हैं तो उसमें भी इसकी सिलाई जाएगी, इसलिए सिर्फ 1 इंच ही हम बीच में से कटिंग करेंगे और साइड स्लाइड्स में कोई कटिंग नहीं करेंगे, ऐसे सीधा ले लेंगे। और बॉटम से 1 इंच साइड स्लाइड से लेके बीच में 1/2 इंच तक चले जाएंगे, गोलाई ले लेनी है। अब हम कटिंग कर लेंगे और ये आगे की ज़्यादा 1.5 इंच हमने ले ली है। आप ऐसे कोई भी कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। पहले फरमा तैयार कर लें, उसके बाद आप कटिंग कर लें उस पर, उसके बाद कपड़े पे करें तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी इसमें। कटिंग करते समय किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमारी आगे पीछे हमने कटिंग कर ली है। अब आगे जो ज़्यादा करनी है कटिंग उसके निशान लगा लेंगे और गला भी कटिंग कर लेंगे और ये आगे की आर्म होल की ज़्यादा 1.5 इंच कटिंग कर लेंगे और ये आगे का गला
5 इंच ज़्यादा कटिंग कर लेंगे। वी शेप में हमने किया है, 2 इंच पहले की थी और प्लस ये 5 इंच 7 इंच हो गई आगे की गले की कटिंग। अब ये आर्म की बनाएंगे, बाह जो हमने बनानी है वो साइड में जो कपड़ा बचा है उसी में से बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप फुल स्लीव डाल सकते हैं, मगर मैंने आधे से थोड़ी ज़्यादा 18 इंच की बनाई है। ये यहाँ से गोलाई ले लेंगे, ये 4 फोल्ड कर लिया है हमने और ये साइड की कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी है और आगे से 1.5 इंच इसमें भी ज़्यादा कटिंग कर लेंगे, ऐसे गोलाई लेके निशान लगा के और कटिंग कर लेंगे। ये हमारी हो गई आगे पीछे दोनों की बाह की कटिंग। ये फर्मा तैयार किया है, अब इसमें हम कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। जो साइड में जो कपड़ा बचा था कुर्ती के उसी में से हम ये बाह बना लेंगे। 2 फोल्ड कर लेंगे, पहले 2 फोल्ड करने के बाद उसके बाद फोल्ड कर लेंगे और ये निशान लगा लेंगे। हमने 16 इंच की चौड़ाई ली है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। बीच में ऐसे आर्म होल के नीचे आप इसे जॉइंट लगा सकते हैं थोड़ा सा और ये आपकी ज़्यादा चौड़ाई वाली बाँह बन जाएगी और वो दिखाई भी नहीं देगा। जॉइंट जो आप डालेंगे वो दिखाई नहीं देगा, आर्म के नीचे चला जाएगा, इसलिए शोल्डर के नीचे चला जाएगा। इसलिए आप चाहें उतनी चौड़ाई भी कर सकते हैं इसमें भी। और ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है और कटिंग कर लेंगे निशान लगा के, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाँह के कपड़े की कटिंग हो चुकी है। पहले आगे पीछे दोनों की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ आगे की 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग कर लेंगे ऐसे खोल के और दोनों को अलग करके और आगे की कटिंग कर लेंगे। पहले निशान लगा लेना है, ये हमारा नीचे से बंद है, हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, अब ऊपर से निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी है, 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करना है आगे की बाह का, जैसे आर्म होल में लिया इस तरह इसमें भी लेना है। अब कॉलर की कटिंग करेंगे, अगर आप चाहें तो कॉलर डालें, नहीं चाहें तो आप पीछे की कटिंग नेक की 5 इंच रखें या फिर आप अपनी पसंद से रखें। अगर आप कॉलर डालते हैं तो उसमें आप नाप लेके और गोलाई से उसकी कटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो उसमें बकरम डाल के और बना सकते हैं। ये ऐसे हमने कटिंग कर लिया है, अब इसे ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम सिलाई करते समय अगर आप चाहें तो गला बना ले, नहीं तो फिर पहले बॉटम बना ले। मैंने बॉटम बना लिया है, पहले बॉटम की सिलाई कर ली है और ऐसे पूरा घेर बना लेना है, बॉटम और साइड स्लाइड्स, चाक जो बोलते हैं साइड स्लाइड्स को चाक बोलते हैं, वो हमने पहले बना लिए हैं और ये बॉटम की सिलाई पहले कर ली है। बॉटम में नीचे की जो कटिंग करते हैं 1 इंच करके आधा इंच ले लेते हैं बीच तक, वो उससे क्या होता है कुर्ते की फिनिशिंग अच्छी आती है और लुक अच्छा आता है। ये हमारी बॉटम की पूरी सिलाई हो गई है, अब हम दूसरे पार्ट्स की बाह की और गले की भी सिलाई कर लेंगे और फिर जॉइंट्स कर लेंगे सभी। मैंने क्या किया है, पहले पूरा बंद सिलाई की है इसलिए पूरा सीधी साइड से किया है। ये शोल्डर हमने किया है, पहले सीधी साइड से किया है इसकी सिलाई और उसके बाद इसे उल्टा करके कर की है तो इसकी बंद सिलाई हो जाएगी। इसलिए आप जो भी लेंथ लेते हैं उससे 4 इंच ज़्यादा लेंथ लें ताकि
बंद सिलाई करनी हो तो उसमें भी कपड़ा जाता है, एक इंच तक चला जाता है, तो आप उसमें उसके हिसाब से लेंथ चौड़ाई उसी के हिसाब से लेनी है। ये हमारी साइड स्लाइड्स चाक की सिलाई हो गई है। अब हम नेक की और बाहों की सिलाई कर लेंगे। अब हम शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। पहले सीधी सिलाई कर लेंगे, फिर उल्टा करके उल्टी सिलाई कर लेंगे ताकि उसकी बंद सिलाई हो जाए। सीधा करके हमने सिलाई की है, अब इसकी उल्टा करके सिलाई कर लेंगे ताकि ये बंद सिलाई हो जाए। इससे क्या होता है, इसमें से दोरे नहीं निकलेंगे और कभी भी इसकी सिलाई नहीं निकलेगी, पक्की सिलाई हो जाएगी। अब पहले आगे की नेक की सिलाई कर लेंगे। वी शेप है जो, वो बना लेंगे। आप जब भी नेक बनाते हैं, गला बनाते हैं, तो जितनी साइज़ का वो गला है उतनी ही साइज़ का दूसरा कपड़ा कटिंग कर लें और उसके पहले सीधा कर लें फिर उल्टा करके उसे सिलाई कर लें। आपकी कभी भी कोई भी नेक आप बना सकते हैं उससे, और बकरम डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी उसमें, और नीचे से पीछे से थोड़ा थोड़ा कट लगा लें। और ये अब कॉलर की कटिंग है, अब कॉलर लगा लेंगे। जितनी भी माप का आप कॉलर बनाते हैं उतनी ही माप का लें, इसमें खींचना नहीं है। कॉलर बनाते समय यहाँ साइड में से गोलाई ले लेंगे और ऐसे कटिंग कर लेना है, और टू फोल्ड करके हमने ये सिलाई कर ली है पहले, उसके बाद उसे ज्वाइन कर लेंगे गले में। अगर आप चाहें तो इसमें बकरम डाल के फिटिंग बना सकते हैं। पहले बकरम की कटिंग करें, उसके बाद कपड़े की कटिंग करें, बकरम को कपड़े पे ज्वाइंट करके उसके बाद ही कॉलर बनाएं। अब इसे हम गले में स्टिच कर लेंगे गले के साथ, और खींचना नहीं है, ना ही गले को खींचना है ना ही कॉलर को खींचना है, आराम से करना है, नहीं तो चुन आ जाएंगे और सही नहीं बनेगा गला, कॉलर सही नहीं बनेगा। ये हमारा कॉलर रेडी हो गया, और बाँह से करते हुए नीचे तक स्टिच कर देंगे, तो ये हमारी रेडी हो चुकी है स्कूल यूनिफॉर्म कॉलर कुर्ती।